और आप कुछ अहम खबरें। डोडा के घने जंगलों में सेना हेरोन ड्रोन की मदद से आतंकियों का सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। डोडा में जैश ए मोहम्मद के कुल 4 आतंकियों की घुसपैठ के बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन शिवगढ़। मिल गया टेरर रूट, बरसेगा बारूद। आसमानी कैमरे में कैप्चर आतंकी टोला। जैश के आत्मघाती गीदड़ बेमौत मारे जाएंगे। पीओके के आतंकी आका बहुत पछताएंगे। हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर ड्रोन और अब हेरोन ड्रोन। आतंक का सफाया हाईटेक अंदाज में होगा। दहशतगर्दों को उनके बिल में दफनाया जाएगा। हिट एंड रन की टेरर टेक्निक का तोड़ मिल गया है। पाकिस्तानी बारूदी पिट्ठुओं के पर खच्चे कैसे उड़ रहे हैं देखिए। गोलियों से थर्राता जंगल, मौत से भागते दहशतगर्द, जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन, पहाड़ी रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ान भरते हेरोन ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स। पाकिस्तान से आए भाड़े के आतंकियों का अंत करीब है। मौत उनके पीछे पड़ी है। दहशतगर्दी डोडा के इन्हीं जंगलों में बनाई गई बिलों में दुबके हुए हैं। ये दहशतगर्द सरहद पार से आए हैं। आतंकी मौत बांटने का ढेरों सामान साथ लाए हैं। पीठ पर वार कर आतंकी भाग जाने की ट्रिक आजमा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि आतंकियों के नए टेरर रूट का पता चल चुका है। जिस मांद से ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ कर रहे हैं उसकी शिनाख्त हो चुकी है। ऑपरेशन अस्सार के खात्मे के साथ ही टेरर रूट पर एक्शन होगा। लेकिन पहले जानिए कि डोडा में, शिवगढ़ और अस्सार के जंगलों में 2 दिन से जारी शूरवीरों के पराक्रमी ऑपरेशन की डिटेल। सेना ने शिवगढ़ अस्सार बेल्ट में एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में एक आतंकी के घायल होने की आशंका भी जताई गई है। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ दूर खून के धब्बे से ये आशंका जताई गई है कि जख्मी आतंकी ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। एनकाउंटर स्पॉट से कुछ ही दूर पर गोला बारूद से भरे खून से सने बैग भी बरामद हुए हैं। वहीं मारे गए दहशतगर्दों के पास से अमेरिकी M4 राइफल और AK-47 बरामद की गई हैं। आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना के जवान जो है वो घने जंगलों में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आगे जाने की अनुमति हमें यहां से नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद हैं। आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और आतंकियों को निस्तनबूद करना आज लाजमी हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से वो ट्रैप हो चुके हैं, आतंकियों को घेर लिया गया है। आतंकवादी अस्सार बेल्ट के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदी के किनारे उस इलाके में छिपे हुए हैं। इन दहशतगर्दों को सेना ने 13 अगस्त से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पहली बार आतंकी टोली की मंगलवार की शाम 6 बजे उधमपुर में निशानदेही हुई, जिसके बाद आतंकियों की लोकेशन की घेराबंदी सेना ने कर डाली। शाम से ही दहशतगर्दों से मुठभेड़ शुरू हो गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया आतंकियों के हमले तेज हो गए, मगर सुरक्षा बलों ने रात भर में इलाके को चारों ओर से घेर लिया। सेना से घिरने के बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग रोक दी, लेकिन सुबह जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ टेरर ब्रिगेड ने फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया।
इस मुठभेड़ में ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन दीपक सिंह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां कैप्टन दीपक सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। कैप्टन दीपक सिंह की शहादत के बाद दो दहशतगर्दों को जवानों ने ढेर कर दिया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। देहरादून के रेस कोर्स में कैप्टन दीपक सिंह का घर है। कैप्टन दीपक सिंह साल 2020 में कमीशन हुए थे। कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल में थे और जम्मू में पोस्टेड थे। कैप्टन की शहादत के बाद सेना ने आतंकियों के सफाए का मिशन और तेज कर दिया है। हालांकि जंगल में जारी ऑपरेशन में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा बल के मुताबिक मौसम की दुश्वारियों का फायदा आतंकी बखूबी उठा रहे हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ में भी तेजी आई है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ फुल फोर्स में मिशन में जुटी है। आतंकियों और उनके मदद